दौसा जिले में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिका के द्वारा अब बोरवेलों में गिरने वाले बच्चों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। आपको बता दें कि उस बालिका का नाम भारती है और भारती के द्वारा ही देखा गया कि एक बोरवेल में बच्चा गिर गया था, तो आर्मी बुलाई गई, प्रशासन बुलाया गया, कई घंटे तक बोरवेल के आसपास मिट्टी खुदाई का कार्य भी किया गया। तब उनके मन में विचार आया क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे बच्चों को आसानी से बचाया जा सके। तभी से वह लगातार अपनी मेहनत कर रही थी और अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिससे आसानी से ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचा सकते हैं और बच्चे को आसानी से बोरवेल से बचाया जा सकता है। जी सर हैं, और ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम रोबोट रेस्क्यू फॉर चाइल्ड इन बोरवेल है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो गांवों में खाली कुएं, गांव या शहर कुछ भी मान लो, उसमें खाली जो बोरवेल होते हैं उनको लोग खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है छोटे बच्चे खेलते खेलते उनके अंदर गिर जाते हैं। एक बार ऐसा ही हमारे गाँव के पास में गाँव है, वहाँ पर हुआ। छोटा बच्चा था, खेलता हुआ उस बोरवेल में गिर गया। उसको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आई। उसने लगातार कम से कम 20 घंटे तक मेहनत करके जेसीपी से उसके साइड से खुदाई की, और जब उस आर्मी टीम की सहायता से और पूरी रेस्क्यू टीम की सहायता से उस बच्चे को बचाया गया। तब मैंने अपने स्कूल में जाकर अपने साइंस के जो टीचर हैं उनसे कहा कि सर हमारे आसपास ऐसी घटना हुई, तो क्या हम ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते जिससे कि बिना रेस्क्यू टीम के और बिना इतनी मेहनत किए, बिना आर्मी की टीम के हम रेस्क्यू करके किसी बच्चे को बचा सकते हैं। तो सर ने कहा कि हाँ हम बिल्कुल बचा सकते हैं। तो फिर उस टाइम पे जब मैंने सर को ये बात बताई, तो उस टाइम क्या था, इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म भरे जा रहे थे। तो सर ने क्या किया, मेरे इस टॉपिक को ही मेरा विषय बनाकर वहाँ पे भेज दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसके उपकरण निम्न प्रकार हैं, जैसे कि ये हम नीचे भेज बच्चे के पास इसको भेजेंगे, यहाँ से रस्सी बांध के बच्चे के पास नीचे भेजेंगे, तो हम कोई वायर नहीं भेज सकते क्योंकि वायर भेजेंगे तो बच्चे को खतरा हो सकता है, इसके लिए हम वहाँ पे कोई वायर नहीं भेज सकते। इसके लिए ये वायरलेस सिस्टम मैंने बनाया, इसको ट्रांसमिशन रिसीवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो बटन होता है या फिर ये बटन है जो बच्चे को क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, लाइट नहीं मिल पाती है, सबसे मेन चीज़ तो होती है बच्चे को ऑक्सीजन कहाँ से मिले। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही तो बच्चे नीचे मर जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है नीचे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन पंप लगाया, आप देख सकते हो। तो इस ऑक्सीजन पंप के थ्रू सबसे पहले तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगी, फिर हम यहाँ से इसका स्विच ऑन करके बच्चे को लाइट पहुँचा सकते हैं जिससे कि बच्चा डरे नहीं और उस को ये रहे कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ। तो छोटा बच्चा अक्सर डर ही जाता है अंधेरे के कारण, तो वो डरेगा नहीं। अब आगे क्या बनने का, आगे भी बनाते रहोगे ऐसे प्रोडक्ट? हाँ सर, मैं अपनी पूरी मेहनत से और जैसे मैंने ये 10,000 रुपये मेरे को मिले थे उनको मैंने खर्च करके मेरी फैमिली से पूछा, तो उन्होंने कहा कि चाहे पैसों का कितना ही अभाव हो क्यों ना हो, लेकिन हमारी तरफ से जो पूरी मेहनत होगी वो हम तेरे लिए लगाते रहेंगे और तुम आगे बस इसी तरह बढ़ते रहना,